एक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सात हो, यदि sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सात हो तब x का मान ज्ञात करें। दूसरा है कि यदि tan a बराबर वन तथा tan b बराबर रूट तीन हो तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करें। और तीसरा है कि यदि रूट टू साइन सिक्सटी माइनस थीटा इज इक्वल टू वन हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए एक एक करते हैं। एक नंबर में कहा यदि sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सात हो, चलिए हल करते हैं। sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सात हो, ठीक है। देखिए sec स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में बदल दे या tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में बदल दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, वन प्लस tan स्क्वायर एक्स। हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, इज इक्वल टू सेवन। अब एक tan स्क्वायर एक्स, एक tan स्क्वायर एक्स, दो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। तो इस वन को उधर भेजते हैं, या टू टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस वन, या टू टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ये दो टेन स्क्वायर एक्स गुना में है तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, या टेन स्क्वायर एक्स बराबर छः बट्टा दो, तीन दुना छः, या टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया तीन। अब जो स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा तो रूट लगा देगा, टेन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर तीन। और हम लोग जानते हैं कि रूट तीन कितना होता है, तो टेन साठ के बराबर होता है, तो टेन एक्स बराबर टेन साठ, टेन से टेन कट गया इसलिए x बराबर 60 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा में कहा यदि tan a इज इक्वल टू वन तथा tan b इज इक्वल टू रूट तीन, यदि दिया है क्या tan a इज इक्वल टू रूट तीन, तो हम लोग जानते हैं या tan a इज इक्वल टू टेन साठ लिख सकते हैं, tan से tan कट गया, a बराबर 60 डिग्री, एक मान लेते हैं। पुनः दिया हुआ है tan b इज इक्वल टू रूट तीन, tan b इज इक्वल टू रूट तीन, ओहो सॉरी, tan a इज इक्वल टू वन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan a इज इक्वल टू वन है तो tan 45 होता है वन का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू 45, लेकिन tan b इज इक्वल टू रूट तीन है तो tan b इज इक्वल टू tan 60 हम लोग लिख सकते हैं, tan से tan गया, b बराबर 60, इसको लिख देंगे दो। क्लियर है। अब प्रश्न में क्या दे रहा है, प्रश्न में cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का कहा मान ज्ञात करके दिखाएं, तो इसका मान ज्ञात करना, कॉस ए कॉस 45 इंटू कॉस 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60, सबका मान डालेंगे, कॉस 45 क्या होता है वन बाय रूट टू, गुना कॉस 60 क्या होता है तो एक बट्टा दो, माइनस साइन 45 होता है एक बट्टा रूट दो, गुना साइन 60 क्या होता है तो रूट तीन बट्टा दो, यही ना होता है, दोनों का गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक बट्टा दो रूट दो, माइनस इधर हो जाएगा दो रूट दो ए रूट तीन, दोनों का एलसीएम ले लेंगे दो रूट दो, एक माइनस रूट तीन, एक माइनस रूट तीन बट्टा दो रूट दो, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, यदि रूट टू साइन साठ माइनस थीटा है, ध्यान दीजिए, यदि रूट टू साइन साठ माइनस थीटा, रूट टू साइन साठ माइनस थीटा बराबर वन हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है,
दिया हुआ है, क्या दिया है कि रूट टू साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। इस रूट टू को इधर गुना में है उधर भाग में चला जाएगा, साइन इंटू 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू। साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू क्या होता है, साइन 45 होता है, साइन 45 होता है 1 बटा रूट टू, साइन से साइन गया, 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू 45। तो अगर हम माइनस थीटा इधर रहने दो तो 45 माइनस 60 माइनस थीटा इजिकल टू 7 से 45 गया, माइनस 15 माइनस से माइनस कर गया, थीटा इजिकल टू 15 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है।